आइए फ्रेंड्स, आज हम इस नील गाय को सामने रखते हुए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स के जवाब देते हैं जो मेरे नील गाय के वीडियोस पर आते हैं। देखो, हर चीज़ के, हर पहलू के दोनों पार्ट्स होते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। दोस्तों, मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ, एक जंगली जानवर, एक सुंदर और एक प्यारा सा, जिसे मेरा लगाव है और ये मुझे आकर्षित करता है, इसलिए मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और इसको बचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नहीं, इसको मार देना चाहिए, ये किसानों के दुश्मन हैं और किसानों की खेती को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, यह दोनों पहलू सामने रख के बोलता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल सही है, अगर हम मानव स्वार्थी हो जाता है तो एक अलग सोच है, और यदि हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो अलग विचार आते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पहली बार आए हो, और लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए अब हम दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। यदि इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि उसको इंसान के अलावा दूसरा कोई जानवर या कोई पक्षी या नेचर नज़र नहीं आता, तो रियली उन लोगों के कमेंट भी दम रखते हैं जो इस जानवर को ख़त्म करने की और मारने की सोचते हैं। लेकिन मेरे जैसा जो प्रकृति प्रेमी है, जो मुझे नेचर अच्छा लगता है, तो मैं तो दोस्तों कभी भी किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को बिल्कुल भी हानि पहुंचाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकृति पर, इस नेचर पर, इस पृथ्वी पर जितना इंसान का हक है, इतना ही दूसरे जानवरों का भी दोस्तों हक है। अब बात एक ये रही कि इंसान के पास कुछ सोच इतनी एडवांस हो गई, उसके दिमाग ने इतना डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से वो हर एक दूसरे जीव पर राज करना शुरू कर चुका है, और उसके दिमाग की उपज ने ऐसी ऐसी चीज़ें उसके पास रख दी हैं जिसे हम, ताकत तो इंसान में इतनी नहीं है जितनी कि जंगली जानवर में हो सकती है नहीं, होती है, लेकिन उसके पास दिमाग और उसकी सोच और उसकी कैलकुलेशन ऐसी है जिसकी वजह से इन जंगली जानवरों को वो मात दे देता है। हाँ, सामने दिखाई दे रहा है एक नील गाय, बिल्कुल एक खेती में है, एक फसल के बीचों बीच खड़ा है, और वीडियो में आके देखोगे बहुत सारी 10-10, 15-15 नील गाय हैं जो खेती को बर्बाद भी करती हुई नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ा इंसान का जो स्वार्थ है, उस इंसान के स्वार्थ ने इस जंगली जानवर को विवश कर दिया है कि वो हमारे क्षेत्र में आए और अपने ज़िंदगी जीने के लिए सर्वाइव करें, क्योंकि हमने ना तो जंगल छोड़े हैं, ना पानी के स्रोत छोड़े हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया हमने। देखो, आगे चलते हैं, देखते हैं एक और नील गाय। लेकिन अब आपको एक दूसरे झुंड के पास लेके चलता हूँ। ये देखो, यहाँ तो बहुत सारे हैं और फसल में वाकई नुकसान है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अब दोनों पहलुओं में से जो पहलू आपको लगती है, जो चीज़ आपको लगता है, जो मेरी बातों में आपको ऐसा महसूस होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है। क्या पॉजिटिव सोचने वाले ज़्यादा अच्छे हैं या नेगेटिव सोचने वाले? क्योंकि हर आदमी की सोच और हर आदमी की कमेंट अपने खुद की सोच के ऊपर निर्भर करते हैं। एक इंसान वो है जो करोड़ों रुपये कमा कर भी संतुष्ट नहीं है, एक वो है जो फुटपाथ पर भी मज़े मारता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर शेयर करना।